इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 313 नए मामले सामने आए हैं, इससे कोरोना मरीजों की संख्या 11,615 हो गई है। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई, इससे मौत का आंकड़ा बढ़कर 147 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज बागेश्वर में 2, चमोली में 1, चंपावत में 5, देहरादून में 73, हरिद्वार में 122, नैनीताल में 54, पौड़ी गढ़वाल में 1, टिहरी में 23, उधमसिंह नगर में 24 और उत्तरकाशी में 6 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 11,615 हो गई है। इनमें से 7,502 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,924 केस एक्टिव बने हुए हैं। अब तक 147 लोगों की मौत हो गई है। गैरसैंण में ध्वजारोहण करेंगे सीएम त्रिवेंद्र, विकास कार्यों की होगी घोषणा। तो 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान सीएम गैरसैंण को लेकर कई घोषणाएं कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती की राह अभी आसान नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड में 1200 पदों पर एलटी शिक्षक की भर्ती 15 अगस्त से पहले विज्ञप्ति जारी करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसमें अभी आरक्षण का मुद्दा बना हुआ है। अभी व्यक्तिगत सहायक और आशुलिपि के पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। इसको लेकर भी एससी एसटी कर्मचारियों ने इस पर रोष जताया है। इसमें पहले पद और 7वें पद को लेकर के आरक्षण को लेकर के अभी भी ये मामला शांत नहीं हुआ है। ऐसे में एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी आरक्षण का मुद्दा बना हुआ है। साथ ही अभी फोर्थ सेमेस्टर के जो अभ्यर्थी हैं, बीएड अभ्यर्थी, उन्होंने भी यहाँ पे मांग की है कि उनको भी एलटी शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। ऐसे में वो लोग भी लगातार यहाँ पे संवाद के माध्यम से भर्ती को आगे टालने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या ये भर्ती निकल पाती है या अभी युवाओं को इसके लिए और इंतजार करना होगा। इस खबर आई है गरुड़ से, जहाँ पे गरुड़ गांव में विधि विधान से शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध नंदा लोकजात यात्रा। तो सिद्धपीठ नंदा धाम गरुड़ से आज विश्व प्रसिद्ध नंदा लोकजात यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये लोकजात यात्रा वेदनीकूट और बालपाटा में नंदा सप्तमी को संपन्न होगी। हरिद्वार में राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई। राजीव त्यागी के बेटे ईशान त्यागी ने विधि विधान से अपने पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया है। इसी के साथ खबर आई है यूकेडी के संस्थापक डॉक्टर दीदी पंत की 101वीं जयंती, कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। तो आज यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संस्थापक डॉक्टर देवीदंत पंत की 101वीं जयंती मनाई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। देहरादून से खबर है, जहां पे देहरादून कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन, ओपीडी जल्द शुरू करने की मांग की है। तो राजधानी देहरादून स्थित दून अस्पताल में ओपीडी नई बिल्डिंग में संचालित कराने के लिए कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ डॉक्टर वीसी रमोला से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। और वहीं खबर आई है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए स्वास्थ्य, कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। 2 अगस्त को कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गृह मंत्री शाह को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।